आरसीपी सिंह तो आपको याद ही होंगे, नीतीश के करीबी और अच्छे दोस्त, राजनीतिक सलाहकार माने जाने वाले आरसीपी सिंह अब नीतीश के साथ नहीं रहे। बिहार की राजनीति जैसे जैसे बदलती गई, मौसम करवट लेती गई, ठीक उसी तरह आरसीपी सिंह भी सीएम नीतीश से दूर जाने लगे और यह खामियाजा निकलकर सामने आया कि आरसीपी सिंह अब कहीं के नहीं रहे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह भादो के बाद शुभ मुहूर्त में भाजपा में शामिल होंगे। वो पिछले दो दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नाम ना बताने की शर्त पर उनके एक निजी नजदीकी ने बताया कि आरसीपी सिंह भाजपा के वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल बिहार में सरकार बदलने का तत्कालीन कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह अब धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव करने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में वे भाजपा के वरिष्ठ और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकातों के बाद आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। अभी भादो चल रहा है, जैसे ही शुभ मुहूर्त होगा वो भाजपा में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले कुछ दिनों में ही फैसला लिया जा सकता है। आरसीपी सिंह के साथ जाएंगे 20 से अधिक नेता। पहले से ही यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जदयू छोड़ने के बाद आरसीपी बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने यह कहा था कि वह अपने समर्थकों के साथ बातचीत करके फैसला लेंगे। अब वह अपने लिए और अपने साथ बीजेपी में जाने वाले लोगों के लिए बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आरसीपी सिंह फिलहाल बीजेपी में सम्मानजनक स्थान को चाहती है, साथ ही अपने साथ जाने वाले लोगों के लिए भी बेहतर जगह चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना लगे कि समर्थकों को छोड़कर वे खुद आगे निकल गए। आरसीपी सिंह के साथ लगभग 20 से अधिक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। को याद दिला दे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 16 जुलाई 1998 को बिहार के नालंदा में जन्मे आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। 1996 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के निजी सचिव बने। 2010 में आरसीपी सिंह ने बीआरएल लिया। नीतीश कुमार रेल मंत्री बने थे तो सिंह को विशेष सचिव बनाया गया था। जदयू ने उन्हें 2010 में राज्यसभा में नामित किया था। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने तो सिंह को प्रमुख सचिव बनाया गया। दिसंबर 2020 में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पिछले दिनों आरसीपी सिंह पर जदयू ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते थे, लेकिन वे केंद्र में मंत्री बने जदयू में उल्टी गिनती शुरू हो गई। उन्होंने दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया, फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ा। जदयू के तरफ से आरोप लगाया गया कि वो पार्टी में रहकर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देकर नीतीश कुमार पे अपना भड़ास निकाली थी। अब उनके भाजपा में जाने के दिन करीब आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।